नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नथन कुल्टर-नाइल के रिप्लेसमेंट के प्लेयर कौन कौन रिप्लेस कर सकते हैं नथन कुल्टर-नाइल को। दोस्तों आपको तो पता ही है नथन कुल्टर-नाइल जो इंजरी के चलते टीम से बाहर हो गए थे, तो उनका रिप्लेसमेंट का कुछ ऑप्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को एक लाइक करना, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। दोस्तों जो पहले नंबर पे आते हैं डेविड वाइस। दोस्तों आपको तो पता ही है डेविड वाइस नामीबिया के बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। दोस्तों ये रिसेंटली PSL में भी अच्छा परफॉर्म किए थे और लाहौर कलंदर के टीम से थे, जहाँ उन्होंने विन भी किया है इस साल। दोस्तों अगर हम डेविड वाइस की अगर बात करें तो लास्ट 5 वीक से वो अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहे हैं और IPL भी खेलने का एक्सपीरियंस है और डोमेस्टिकली भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। देन गाइस अगर वो IPL में खेलते हैं तो उनका 4-4 ओवर मतलब डेथ में भी डाल सकते हैं, तो ये एक गुड ऑप्शन हो सकता है राजस्थान रॉयल के लिए। दोस्तों जो सेकेंड नंबर पर आते हैं बेन कटिंग। दोस्तों इस साल बेन कटिंग को किसी ने भी मतलब इंटरेस्ट नहीं किया ख़रीदने में, तो बेन कटिंग एक मतलब बहुत अच्छे ऑप्शन है, जहां बेन कटिंग का स्ट्राइक रेट 164.4 है गाइस, मतलब वो डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये अगर हम बात करें तीन नंबर पे हैं श्रीलंका के T20I बैट्समैन दसुन सनका। दोस्तों ये कैप्टन भी हैं हमारे श्रीलंका टीम के और वो सेकंड हाई स्कोर भी हैं मतलब श्रीलंका से, जहां उन्होंने मतलब बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां 116 रन बनाए थे 5 मैचेस में, तो ये भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं राजस्थान रॉयल के लिए। अभी बात करते हैं नंबर 4 और लास्ट। दोस्तों लास्ट में आते हैं जेम्स फोकनर। दोस्तों हमको तो पता ही है जेम्स फोकनर एक बहुत अच्छे बैट्समैन ऑलराउंडर हैं, तो उनको मतलब IPL खेलने का एक्सपीरियंस भी है, बहुत साल से अभी तक नहीं खेले IPL में, बट ये एक अच्छा रिप्लेस हो सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।